I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop. Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing well and alhamdulillah we are also doing very well. And here we are making pancakes. Although today is not a Sunday but still we are making pancakes. Because our children had promised us in the night that we have to make pancakes in the morning. So here is mom at service. मामा का क्या काम है, मामा का काम है बच्चे जो बोलते हैं मामा वो सुनती है और मामा फिर वो करती हैं। ऑल दो मामा का बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि वो वीक डेज पे कोई काम करें, इस तरह की फैंसी चीज़ करें, लेकिन स्टिल बच्चे तो बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो यार पैनकेक्स बनाते हैं। और फिर ये जनाब चॉकलेट चिप्स का पैकेट निकाल के लिया कि मामा प्लीज़ ये भी डाल दीजिए। उसके बाद फरमाइश करी कि उनको भी दे दिया जाए। फिर इनको दिया तो फिर जैद भी आ गए, जैद ने भी लिया, उन्होंने फिर जाकर उन्होंने सुकून से बैठ के चॉकलेट चिप्स खाए और मैंने सुकून से पैनकेक थोड़े से बनाए। अच्छा, मैं जब भी पैनकेक्स वगैरह बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इतने बनाऊँ कि वो दिन के वक्त भी चल जाएँ। क्योंकि अब जाहिर सी बात है आप दो मतलब पैनकेक्स का तो नहीं मिक्सर बना सकते हैं ना। मैं जब बनाती हूँ ज़रा ज़्यादा बनाती हूँ, फिर अगर बनाऊँ तो फिर ये मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे दिन के वक्त ही यही खा लें ताकि ना मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आसानी हो जाए बाकी कामों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव एंड सपोर्ट इन द लास्ट सेकेंड लास्ट पोस्ट जो कि थी मंगल बाजार के बारे में। आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू मेक दैट फॉर यू। मुझे बहुत से लोग बहुत सी मतलब ना मैसेजेस वगैरह करते हैं, इवन कि फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे करते हैं कि आप बताएं कि हम कैसे यूके आ सकते हैं, कैसे अपने ना बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, कैसे खुद सेटल हो सकते हैं, कैसे हम अपने हस्बैंड्स को बुला सकते हैं एज एन स्पाउस, कैसे हम जा सकते हैं, कितने अरसे में हमारा वीज़ा लगेगा, ऑल दीज क्वेरीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट बनाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, एंड आई वुड सीरियसली लव टू डू दैट फॉर यू। और नाइल को पैनकेक्स बनाने के बाद ये कुछ बैटर बच रहा था तो मैंने सारे के पैनकेक्स बना दिए। मैंने कहा चलो ज़्यादा खा लेगा बाद में, फिर अगर नाइल आता है स्कूल से तो रीहीट करके वही खा लेगा। हीटर व्हिच हीटर इन द वन आप क्यों कहाँ से लेके आए परफ्यूम? अब ऊपर से लेके आए थे, ऊपर से लेके आए परफ्यूम। Go give it to daddy. Go give it to daddy. No, give it to daddy. Go. और बस यहाँ हम नाइल को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे थे और नाइल स्कूल में रोज़ ही अपनी क्लासेस भूल के आ जाता है, कभी घर भूल के चला जाता है, कभी स्कूल भूल के आ जाता है। मतलब ये रोज़ का ही तमाशा बना हुआ है हमारे घर में। मतलब इतने उसको इतना समझाने के बावजूद उसको याद नहीं रहता कि क्लासेस मुझे वापस पहन के आने, घर से लेके जाने। अगर उसे दे भी तो वो कार में रख के चला जाता है सीट के ऊपर, कभी वो घर में साइड टेबल पर रख के चला जाता है। मतलब ये रोज़ का लगा रहता है। और यहाँ देखे मेरे कपड़ों का सत्यानाश हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कपड़े मैंने सही कलर कैचअप डाल के डाले थे लेकिन फिर भी कपड़ों पर ना दूसरे कपड़ों का कलर चढ़ गया। और एक्चुअली जो शर्ट पे कलर चढ़ा है वो इस शर्ट का चढ़ा है मेरे हस्बैंड की। अगर मेरी मम्मी अभी इस ब्लॉग पे देखेंगी ना वो इतनी मुझे बातें सुनाएंगी, कहेंगी तो मैं होना चाहिए था कलर वाले कपड़े अलग डालूं, बच्चों के अलग डालूं, वाइट अलग डालूं। खैर मैंने हमेशा अपनी मम्मी को ऐसे ही करते देखा था कि वाइट अलग डालना, कलर वाला अलग डालना एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट समटाइम मैं सबको एक साथ डाल दी, सब टाइम तो मुझे याद आता तो मैं अलग अलग डाल देती हूँ। बट क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया था डैमेज, बट कलर कैचर इज़ टोटली यूजलेस, दिस इज़ माई मतलब एक्सपीरियंस सो फार। सो डोंट ट्रस्ट ऑन कलर कैच। अगर कपड़ों का स्ट्रॉन्ग कलर है तो कलर कैच उस पर काम नहीं करता और इस तरह से डैमेज होता है। तो मेरे कपड़ों का डैमेज हुआ, यकीन माने जितने भी मैंने ना सिर्फ एक शर्ट अपने हस्बैंड की डाली थी, बाकी बच्चों के कपड़े थे, जितने भी बच्चों के कपड़े थे ना सब पे कलर चढ़ा हुआ है। और मतलब उसमें से नाइल के जैद के एक दो कपड़े ऐसे जिससे सिर्फ एक एक दफ़ा पहने थे। खैर लेकिन बहुत अफसोस हुआ देखने के बाद, लेकिन अब ब्लंडर तो हो गया था, क्या कर सकती हूँ मैं। और खैर जनाब ब्लंडर्स यहीं एंड नहीं होते, ब्लंडर्स के बाद एक बहुत बड़ा मुझसे हुआ, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वैसे मैं आपस की बातें मुझे ना मतलब मैं सोचती हूँ कि ना बहुत से लोग होते हैं कि मैं मतलब कभी व्लॉगर मेरे नज़रों से गुजर जाता है, देर व्लॉगर सो परफेक्ट, मतलब इतना ज़बरदस्त सब कुछ होता है। मुझे होता है कि यार आई एम जस्ट सो पुअर, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतने परफेक्ट कैसे होते हैं। मैं तो चाहूँ भी इतना परफेक्ट करना तो कुछ परफेक्ट हो नहीं पाता मुझसे, फिर भी मुझसे कहीं ना कहीं मिस्टेक निकल ही आती, हो ही जाती है। सो आई डोंट नो हाउ लोग कैसे करते हैं, मुझे प्लीज़ टिप दीजिए। अगर आप लोग बहुत सुगड़ बहुत परफेक्ट हैं चीज़ें करने में, मुझसे नहीं हो पाता। इवन कि यार अभी सुबह मैं जा रही थी दरवाजे से, मैंने मुंह बाहर निकाला अपना, स्पेस कम थी निकलने की, मैंने हल्का सा खोला, निकलने की कोशिश करी, ज़्यादा सो रहा था, इतनी ज़ोर से मेरा सर फूटा दरवाजे के अंदर कि मतलब मेरे सर पर घोड़ा निकल के आ गया, इतना बड़ा वो फूला हुआ है। मेरे उसमें कहते यार तुम देख के क्यों नहीं चलती हो, मैं कहा यार पता नहीं मैं देख के तो चल रही थी, फिर भी मतलब ठुक गई तो ठुक गई।
और जनाब दूसरा ब्लेंडर मुझसे यहाँ हुआ, साथ साथ मैं लहसुन अदरक छील के रख रही थी क्योंकि मैंने कहा चलो धनिया पुदीना होगी लहसुन अदरक भी सॉर्ट आउट कर देती हूँ। हुआ ये कि जब मैंने बनाने की कोशिश की साथ शामी कबाब, शामी कबाब में पता नहीं कैसे आई डोंट नो हाउ बट पानी ज़्यादा डल गया मुझसे, पानी शामी कबाब में वो इतना डल गया कि दाल ना बिल्कुल कुछ ऊपर निकल गया था उसका और ना पानी पानी सा रह गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या करूँ। देखिए यहाँ मैंने टिकटॉकिंग ना मैं टिप देखी थी कि यार कैसे ना इसका वो उतारते हैं लहसुन का छिलका इजी तरीके से, मैंने कोशिश करने की करी कि कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब मेरा हाथ में दर्द हो गया हिला लगे शेक करने के बाद, लेकिन हुआ कुछ नहीं सिर्फ एक का उतरा था और बाकी सब कवर ऐसे ही चढ़ा तो बाकी सब मुझे उतारना पड़े थे। खैर अगर आप टिकटॉक पे कोई देखते हैं चीज़ वायरल तो प्लीज़ डोंट कॉपी दैट, कोई फ़ायदा नहीं, तो टाइम ही ज़ाया होता है आपका। और इसके बाद फिर मैंने क्या कि अपनी मम्मी के तरीके से ना इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाला, उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में रखा और फिर इसको निकाला, फिर इससे इजीली ना काफ़ी अच्छे से पील हो गया था ये। वैसे आप की बात है बाय द टाइम मुझे फील होते माएँ जो भी कहती थी ना हमारे बचपन में हम जब यंग थे जब घर के कोई काम कर रहे होते थे वो ठीक ही कहती थी, मतलब उस वक्त हम कहते थे यार क्या मम्मी बोल रही हैं कुछ नहीं होता यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते ऐसे नहीं ऐसे हो जाता है, लेकिन बाय द टाइम यू फील लाइक जो आपकी माँ कहती थी ना वो ठीक कहती थी। और यहाँ ना मेरा बच्चा मुझे एंटरटेन करने आया हुआ था क्योंकि इस वक्त मैं घर में था और ये घर में था, सिर्फ हस्बैंड भी गए हुए थे जॉब पर, नाइल भी गया हुआ था, तो इतना बोर होता है नाइल के बिना, नाइल आ जाए और जब हस्बैंड घर में आ जाए तो माशाल्लाह फिर बहुत खुश होता है, लेकिन जब ये नहीं होता कोई घर में इस वक्त तो फिर ये बस मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा बेचारा, कहाँ जाएँ बच्चे क्योंकि जाहिर सी बात है कोई है ही नहीं अम्मा के अलावा अब्बा के अलावा देखने के लिए। जज्बात हो कि मैंने लहसन तो बहुत ले लिया था लेकिन इतना सारा ले लिया था मैंने कि यकीन माने लिटरली मुझे कोई घंटा लगा होगा इस लहसन को ना छीलने में, खैर मतलब उसको बॉईल करने के बावजूद मतलब छीलने में मुझे घंटा लगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ले लिया था, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा बचा लिया था, मैंने कहा चलो यार बाद में तड़का वाला लगाने के काम आ जाता है। और क्योंकि शामी कबाब की मिक्सर का बेड़ा गर्क तो हो ही चुका था तो मैंने कहा चलो इसका सालन बना लीजिए क्योंकि मेरा सालन तो कोई बनाना ही था, तो यहाँ पे मैंने सालन बनाई थी, मैंने बनाया था चने की दाल गोश्त क्योंकि वही बना था, मतलब मिक्सर चने की दाल और गोश्त ही था वो। अच्छा सालन बिल्कुल ठीक बना था, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी खाने में, मतलब पता नहीं लग रहा था कि आपने शामी कबाब का मिक्सर बनाया क्योंकि ऑफकोर्स सेम मसाले डलते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर था जब आपने मैंने डाला था ना उसके अंदर धनिया कुटा हुआ तो वो सालन के अंदर ना कुटे हुए धनिया के पीसेस आ रहे थे, अदरवाइज सालन वॉज सो परफेक्ट। अच्छा बस मैंने यहाँ पे क्या किया मतलब प्याज को अच्छे से मैंने ना लाइट ब्राउन किया, उसके अंदर मैंने हरी मिर्च डाली फिर साथ में टमाटर ले लिया। अच्छा जब भी मैं बनाती हूँ कोई भी किस्म कोई भी दाल किसी भी किस्म की दाल तो मैं टमाटर ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब टमाटर फ्राई हो गया ना तो उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नमक थोड़ी सी मिर्चें, ज़्यादा मसाला नहीं डालता मतलब मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि एक तो मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, दूसरी बात है जब मैंने मिक्सर बनाया था कबाबों को उसके अंदर भी डाली थी मिर्चें तो मैंने हाथ रोक के मिर्चें डाली थी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पेपरिका ऐड कर दिया था ताकि ना थोड़ा कलर आ जाए क्योंकि टमाटर ना इतने ज़्यादा ज़बरदस्त कलर के नहीं थे। अच्छा मैंने हमेशा नोट किया जितने भी अजरा से मैं टमाटर लेती हूँ दे आर सो गुड इन टेस्ट और बहुत अच्छा उनका कलर आता है, लेकिन जितनी मैं एशियन शॉप से टमाटर लेती हूँ ना उनका बिल्कुल कलर नहीं आता, मतलब कोई शक्ल नहीं निकलती उसकी। अच्छा इसके बाद मैं तो उसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाला पिसा हुआ गरम मसाला डाला बस इसको मैंने अच्छे से ना भून लिया। जब इसका मसाला बन गया ना तो मैंने इसके अंदर ना जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था ना मिक्सचर कबाबों वाला, ऑफकोर्स कबाबों वाला ही खाना पड़ेगा क्योंकि ऑरिजिनली तो वो कबाब ही थे ना, तो उसका मिक्सचर मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया बस। अच्छा बस मैंने वो मिक्सर से इंक्लूड किया उसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसको ना थोड़े से दम पे रख दिया था, पानी मैंने इसलिए डाला था ताकि ना जितना भी मैंने मसाला बनाया ना अच्छी तरह से ना इनकॉर्पोरेट हो जाए इस मतलब ना दाल के अंदर ना। अच्छा मैं जब भी चने की दाल बनाती हूँ मैं हमेशा उस पर डबल तड़का लगाती हूँ, डबल तड़का इन द सेंस कि पहले मैंने मसाला बनाती हूँ फिर मैं चने की दाल बनाती हूँ देन मैं उसके ऊपर प्याजों का तड़का लगाती हूँ, यकीन माने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इतना मज़े का लगता है चने की दाल का सालन कि मतलब ऐसा लगता है आप ढाबे का खा रहे हैं वो। अच्छा बस मैंने भी क्विकली प्याज काटा उसका मैंने तड़का लगाया, तड़का लगाने के लिए मैं थोड़ा सा जीरा भी इंक्लूड किया था। अच्छा तड़का पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर फैमिली में डिफरेंट तरह से लगाए देते हैं, कुछ लोग लाल मिर्च भी डालते हैं बटन चिली, कुछ लोग क्या कहते हैं इसका लहसन भी डाल देते हैं, लेकिन बस मैं प्याज और ज़्यादा जीरा डालती हूँ और कुछ नहीं डालती। अगर आपके पास बटन चिली इंक्लूड है तो आप इंक्लूड कर लें अदरवाइज इस ओके। अच्छा मैं बटन चिली डालती हूँ लेकिन मेरे पास थी नहीं, अगर होती तो मैं ज़रूर डालती। और यहाँ हमारी कबाबों वाली चने की दाल रेडी है। अच्छा एंड में आपको थोड़ा सा धनिया भी इंक्लूड कर देना, मैं डालना भूल गई थी पहले फिर मैंने बाद में डाला इसका धनिया लाकर। बस जनाब फटाफट खाना बना के नैल को स्कूल से ले, स्कूल से लेकर उसको जीपी के पास गए क्योंकि इसको ना नाक रोज़ाना बंद होती है सोते वक्त ना, तो उसको सांस लेने में मसला होता है, डायरेक्ट स्कूल से लेकर जाना पड़ा क्योंकि टाइम ही नहीं था ज़्यादा हमारे पास ना। तो बस यहाँ पे नैल को मैं बैठी समझा रही थी कि कहाँ से हम पंच करते हैं कहाँ पे हमारा नाम डिस्प्ले होता है, क्योंकि अब ज़्यादा नैल बड़ा हो तो मैं चाहती हूँ कि उसकी चीज़ें ना खुद भी समझ आएँ। तो बस नैल के अपॉइंटमेंट थी, उसके बाद मैं घर आई, घर आके देखा तो आटा नहीं गूंदा था, मैं ज़ूम करके बैठी थी कि आटा गूंदा हुआ है, बस जल्दी जल्दी आटा गूंदा और नाइल अलग शोर करता है मामा भूख लग रही है आई एम हंग्री आई एम हंग्री। लेकिन शुक्र इस मशीन का ही अल्लाह ताला शुक्र है कि यह मशीन ना बड़े काम आती है, बड़ी अच्छी चीज़ है ये ना, बस खाना आप फौरन फौरन आटा गूंदा फौरन फौरन आप रोटी बनाए ना।
उसके बाद हमने अजरा का चक्कर लगाया क्योंकि नाइल साहब ने हॉकी में पार्टिसिपेट किया, वो कहते मेरे शॉर्ट्स चाहिए, तो नाइल यहाँ पे तीन चार ड्रेसेस लेके आ गए, सारे के सारे दिलाओ मुझे क्योंकि मैंने हॉकी में पार्टिसिपेट किया। फिर यहाँ से हमने एक ड्रेस पसंद किया और फिर बस घर गए। लेकिन नाइल के साथ शॉपिंग का मकसद मतलब यह है कि नाइल आपके ना आराम से ना लिस्ट बनवा देता है चीज़ों की, ये भी दिला दो और ये भी दिला दो, बच्चों की ख्वाहिशें ही नहीं खत्म होती यार। अच्छा लेकिन बच्चों के बड़े मसले हैं यार, बस स्कूल में पिंक डे आ गया, रेड डे आ गया, फलाना डे आ गया, ढिमकाना डे आ गया, फिर आपको वैसे ही कपड़े दिलवाना पड़ते हैं ना चाहते हुए भी, और मतलब बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं वो यूज़ ही दोबारा नहीं होते। और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने के आ गई, नाइल ने जो अभी ड्रेस लेके आया था वही पहना, और यहाँ पे अपने भाई के साथ पता नहीं क्या करने लगा था सारा किचन से सामान ला के, और डैडी इसके बैठ के सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहे थे इसकी। उसके बाद नाइल को कुरान की क्लास दिलवाई, नाइल को फोनिक्स की प्रिपरेशन कराई क्योंकि नाइल का फाइनल एग्जाम होने वाले, काइंड ऑफ एग्जाम है फोनिक्स का, बस वो टेस्ट होगा मतलब। और मेरा भी आधा काम ऐसे ही रहता है, मैंने कहा यार अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कल उठ के करूँगी जो भी करूँगी क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची, क्योंकि जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे हम माएँ भी थकी जाती हैं। चलिए जनाब इस व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।